मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो इस महामारी के दौरान आप, मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें सही रहें, एंड प्लीज़ कीप फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस विच इज इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे कोशिश है फिर से कि आपको मैं मेरी तरफ से जितना हो सके जो मैं ऑफलाइन बच्चों को देता हूँ वही सेम कॉन्टेंट सेम लेवल में आपको आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो बेटा, अब जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को थोड़ा हम कंटिन्यू करेंगे, फिर उनके ऊपर हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं एडवांस में, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो अब जो टॉपिक है मैं फिर से एक बार कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, सो दैट यू विल गेट आइडिया अबाउट दीज थिंग्स। ओके, तो एक मिनट जस्ट बेटा, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपको मैंने ये आइडिया दे दिया था बेटा कि आखिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था मेरा वो कहां से आया, राइट? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था वो कहां से आया, वो मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया था कि भैया जो ब्लूइश बीम निकली थी वो डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में थी। ओके ओके, सॉरी, जस्ट वेट फॉर सी। हां, ब्लूइश बीम थी जो वो डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में थी, और कहां-कहां से कैसे हुआ डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में थी, बैंड फॉर्म मिला हमें उनसे। ठीक है, तो लाइक इस तरीके से यू विल गेट आइडिया। नाउ वी विल डिस्कस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो मैं अगेन फिर से वो लाइन खींच रहा हूं, जैसे ये हो गया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n equal to 4, again n equal to 5, again n equal to 6, और dot 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 n equal to infinite। ठीक है, और बेटा मैंने हमने जो एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा कि एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था -13.6 z square by n square, right? तो क्योंकि हम बोर्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हाइड्रोजन को लेके किया था, तो z तो हमेशा मेरी वैल्यू 1 होगी, और हम क्या करेंगे ऑर्बिट की वैल्यू डालते जाएंगे। नाउ n इक्वल टू 1 पे मुझे एनर्जी कितनी मिलेगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, n इक्वल टू 2 पे -3.4, n इक्वल टू 3 पे -1.51, n इक्वल टू 4 पे मेरा हो जाएगा -0.85, -0.54 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन इनफिनिट पे लेट्स से जीरो मान लेते हैं, इनफिनिट में मतलब एक्चुअली जीरो ही होता है। ठीक है, नाउ व्हाट माय क्वेश्चन इज, जो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमें बैंड मिला था, आपको याद होगा कि जो डिस्कंटीन्यूअस फॉर्म में था और सीरीज ऑफ बैंड मिल रहा था, तो उसने जो भी मुझे बताया था, लाइक मतलब बोस ने जो बताया था स्पेक्ट्रम के बारे में, ही टोटली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन 1 पे आएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन 2 पे आएंगे, तो दोनों बातें बेटा यहां पे। ठीक है, Now, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सपोज करो इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा है डायरेक्ट, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सपोज करो 6 से 1 पे आ रहा है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहां से 1 पे आ रहा है, और यहां से 1 पे आ रहा है, यहां से 1 पे आ रहा है, और यहां से 1 पे आ रहा है, तो आप ऑब्जर्व करो ये एक तरीके की क्या है, सीरीज मिल रही है आपको, राइट? बैंड फॉर्म मिल रहा है, उसी बैंड को उसने सीरीज का नाम दिया था, और यही मेरा होता है लाइमन सीरीज बोलता, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। सिंपल सा बात है भैया, इनिशियल उसका कहीं से भी हो, अगर उसका एंड ऑफ ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिस इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं बेटा, इनिशियल कहीं से भी हो लेकिन उसका एंड ट्रांजिशन उसका n इक्वल टू 1 है, तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे उसको, हमेशा लाइमन सीरीज। ठीक है, नाउ लाइमन सीरीज कहां बिलोंग करता है, लाइमन सीरीज यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन में बिलोंग करता है, कहां बिलोंग करता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में बिलोंग करता है। तो अब देखो बेटा, अब आप सोचो सर ये अल्ट्रा वायलेट रीजन आप कैसे बोलती है, सिंपल सा बात है बेटा, जब यहां से एन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हायर ऑर्बिट से वो लोअर ऑर्बिट पे जा रहा है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जाने का मतलब यह कि एनर्जी वो एमिट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ उस मतलब वेवलेंथ होगी उस फोटोन की, और वो जो हम कैलकुलेट करते हैं
तो हमें जो मिलता है वो मिलता है अल्ट्रा वायलेट रेजर, पहली बात। दूसरी बात देखो, अगर मैं बात करूं कि इस सीरीज का फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन कौन सा है, तो आप देखो पहला लाइन आपको हमेशा कौन सा मिलेगा, एन इक्वल टू टू से एन इक्वल टू वन, यही बेटा फर्स्ट लाइन होगा। और लास्ट लाइन हमेशा कौन सा होगा, यहां से लेकर यहां तक। तो आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि याद है मैंने फॉर्मूला दिया था 1 बाय लैम्डा आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर, तो आपको मैंने ऑब्जर्व कराया था कि एक तरीके से क्या बेटा, यहां से हम पता कर सकते हैं कि इसका मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ कितना इस ट्रांजिशन से। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि ये रीजन कहाँ से बिलोंग करता है। आई बात समझ में आपको प्यारे बच्चों? ठीक है नाउ, ठीक है। अगर मान लो सब ये, मैं एक ही चीज अभी डिटेल में लिखा के भी समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अगर मेरा ट्रांजिशन इनिशियल इंफिनाइट से टू पे हो रहा है, हर ट्रांजिशन कहीं से भी स्टार्ट हो बट एंड एंड ऑफ द ट्रांजिशन वो टू पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, एन इक्वल टू टू पे, तो इस सीरीज को हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, बाल्मर सीरीज। और ये विजिबल रीजन में होता है, कहां होता है, ये विजिबल रीजन में होता है। और मान लो ऐसा ही अगर मैंने ट्रांजिशन किया इनिशियल कहीं पे भी, लेकिन एंड ऑफ द ट्रांजिशन मेरा एन इक्वल टू थ्री पे हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल सीरीज। बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसको, पार्शियल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ये इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है। ठीक है, और एंड ऑफ द ट्रांजिशन मेरा कहीं से भी चालू है, लेकिन एंड ऑफ द ट्रांजिशन मेरा एन इक्वल टू फोर पे हो रहा है, तो लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलेंगे हम बेटा, ब्रैकेट सीरीज बोला। अगेन इनिशियलाइजेशन कहीं से भी हो, लेकिन एंड ऑफ द ट्रांजिशन मेरा कहां से हो रहा है, n इक्वल टू 5 पे, तो इसको हम बोलते हैं पी फंड सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, पी फंड सीरीज। और लास्ट में अगर n इक्वल टू 6 पे आ रहा है, तो ये मेरा हो जाता है हम्फ्री। क्या जाता है, हम्फ्री। ठीक है, अगर मैं पहले सीरीज की बात करूं लाइमन, लाइमन सीरीज आपका क्या कहता है, समझो बात को प्यारे बच्चों। देखो लाइमन सीरीज कैसे मिला, आपको याद होगा जो उसको जो डिस्कंटीन्यूअस फॉर्म मिल रहा था कुछ इस तरीके से मिल रहा था, तो उसने यहाँ पे मैंने पहले बोला था ये कॉन्टेजिनेटेड होता है, क्योंकि इसका हम वेवलेंथ पता करते थे, ये बेसिकली आप फिजिक्स में भी सीखोगे कि कितना एंगल होता है डिफ्लेक्शन करके हम किस इसका वेवलेंथ कैसा होता है, ये हम फिजिक्स में दोबारा पढ़ेंगे वेव चैप्टर में। लेकिन फिलहाल हमें एक आइडिया होना चाहिए डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का कि आगे क्या होता, वो मैंने आपको आइडिया कंप्लीटली दे दिया था। तो इसी को इसने क्या नाम दिया, एक सीरीज नाम दिया। अब होता क्या, देखो मैं एक्चुअली आपको ये बात पहले बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे होगा, ये कहने का मतलब ये है कि जो भी होगा वो प्रोबेबिलिटी पे होगा, क्योंकि सारी चीजें उसने एक्सपेरिमेंटली नहीं बताई थी, ये इज टोटल टोटली डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी। सपोज करो आपके पास 100 हाइड्रोजन एटम है, तो उसने ये कहा कि भैया 10 हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन n इक्वल टू 1 पे एंड होगा, और बाकी के 10 में n इक्वल टू 2 पे होगा, बाकी के 10 पे n इक्वल टू 3 पे होगा, हर जन और यही वो सीरीज बता रहा है कि इस तरीके से होता है कि हर एक बैंड को उसने एक सीरीज का नाम दे दिया। और वो सीरीज कैसा होगा भैया, इनिशिएशन आपका कहीं से मिलेगा, अगर एंड ट्रांजिशन आपका 1 पे हो रहा है तो इट मींस वो लाइमन सीरीज होगा, इनिशिएशन आपका कहीं से हुई लेकिन एंड सीरीज आपका 2 पे हो रहा था वो बाल्मर होगा, इनिशिएशन अगेन कहीं से भी हो लेकिन अगर 3 पे हो रहा तो पैशन होगा, 4 पे हो रहा तो ब्रैकेट होगा, पी फंड होगा, हम्फ्री होगा। तो आपको यहां तक प्यारे बच्चों यहां तक बातें समझ में, लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज में n1 हमेशा आपका क्या होगा 1, n1 क्या होगा हमेशा 1 और n2 हमेशा क्या होगा 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, और अब सिंपल सी बात है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है इसका मतलब एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करे मतलब फोटोन के फॉर्म में एमिट करेगा, फोटोन के फॉर्म में एमिट करेगा मतलब उसके पास एक वेवलेंथ होगी, जो वेवलेंथ होगी तो वो किस रेंज में आती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन के वेवलेंथ में आती है। कहने का मतलब है ऑल लाइंस बिलोंग्स टू दिस रीजन इज कॉरस्पॉन्ड टू अल्ट्रा वायलेट रीजन। अब देखो प्यारे बच्चों समझो बात को, जैसे सपोज करो ये सीरीज है, मैंने बोला भाई दिस इज लाइमन सीरीज, तो आप ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये आपका ये फर्स्ट लाइन होगा या ये फर्स्ट लाइन होगा, हो सकता है ये फर्स्ट लाइन हो, ये लास्ट लाइन हो, ये हो सकता है ये लास्ट लाइन हो तो ये फर्स्ट लाइन हो। कहने का मतलब ये है,
कि आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा आपका फर्स्ट लाइन है या कौन सा आपका लास्ट लाइन है, ठीक है? तो समझो बात को। अब देखो यहां पे, यहां का जो एनर्जी डिफरेंस है बेटा और यहां का जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफी डिफरेंट है। मतलब यहां पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफी ज्यादा होगा। एनर्जी डिफरेंस आप चेक भी कर सकते हो, -13.6 और 0, 0 -13.6 कितना होगा +13.6। तो यहां से यहां का एनर्जी डिफरेंस होगा इनफाइनाइट से 1 का एनर्जी डिफरेंस होगा, वेरी गुड, +13.6। और 2 से 1 का एनर्जी डिफरेंस देखो -3.4, माइनस माइनस ऑफ 13.6 मतलब प्लस हो गया वो, तो ये हो जाता है 10.2। तो ऑब्वियस से बात है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा एनर्जी गैप का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब बात समझ रहे हो, इसका मतलब जो मेरा मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ, समझो बात को प्यारे बच्चों। मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? अगेन यही, क्योंकि एनर्जी क्या होता है मेरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा, इसका मतलब मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ कौन सा मुझे सीरीज देगा? वेरी गुड, N1 तो मेरा 1 होना चाहिए, तो N2 क्या होना चाहिए? N2 इनफाइनाइट होना चाहिए। ये जो ट्रांजिशन होगा आपका मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ का होगा। अगर मैं बात करूं मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करूं मैं, अगर मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करूं तो ये कहां से कहां होगा? N1 तो 1 होगा भैया, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन बेटा N2 कितने में होगा? N2 ये वाला होगा, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी का गैप है, ठीक है? तो N2 मेरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब समझो बात को, अगर मैं बोलूं भैया आपके लिए फर्स्ट लाइन कौन सा है, लास्ट लाइन कौन सा है, तो बाय बाय डिफॉल्ट आप ये समझना ये आपके लिए फर्स्ट लाइन हो गया और ये आपके लिए क्या हो गया? लास्ट लाइन। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि देखो ये आपका फर्स्ट लाइन होगा और ये आपका क्या होगा? लास्ट लाइन होगा। यहां तक बात समझ में? तो सपोज कर ये फर्स्ट लाइन है तो इसको हम एच अल्फा बोलते हैं, सेकंड वाले को एच बीटा बोलते हैं, इसको एच गामा एंड सो ऑन। मिनिमम वेवलेंथ आपको पता है, मैक्सिमम वेवलेंथ पता है, तो इसका मतलब आपको रेंज पता है इस वेवलेंथ का। इसका मतलब ये है कि जब ये कैलकुलेट किया गया हाइड्रोजन एटम मान के कि z की वैल्यू जो हमने फार्मूला बनाया था 1 लैम्डा इज इक्वल टू rh * z स्क्वायर 1 n1 स्क्वायर - 1 n2 स्क्वायर, तो ये जो फार्मूला चेक किया गया और मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ पाया गया, तो ये जो रेंज था वो अल्ट्रावायलेट के रेंज के बराबर है। इसलिए मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया कि लाइमन सीरीज जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में बिलोंग करता है। तो यहां तक आप प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई ये सारी बात। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ? वेरी गुड, N1 तो 1 होगा लेकिन N2 कितना होगा मेरा? 2। ये मेरा फर्स्ट लाइन है। न्यूमेरिकल में आपको ऐसे फंसाएगा बच्चों कि N1 फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा फर्स्ट लाइन है, कौन सा सेकंड लाइन है, कौन सा थर्ड लाइन है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं मैं सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो सेकंड लाइन ऑफ अगेन मेरा कौन सा होगा बेटा? n = 3 से n = 1। N1 तो मेरा 1 होगा लेकिन N2 क्या होगा मेरा? 3। एक बात हमेशा रखना, N1 हमेशा शुड बी स्मॉलर देन N2, या आप ऐसे बोल सकते हैं N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। तो यहां तक पहले बच्चों आपको समझ में आया कांसेप्ट, मैंने क्या समझाया, ठीक है? तो अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है, इसको, क्योंकि बाकी चीजें भी मुझे समझानी है। तो यहां तक आपको समझ में आई होंगी, ठीक है? अब मैं सेम कॉन्सेप्ट देखो बाकियों के लिए, तो मैं टाइम ना वेस्ट करके मैं आपको डायरेक्टली थ्योरेटिकली बताऊंगा। आपका काम होगा कि आप उनको खुद से लिखोगे, ठीक है? अगर मैं सेकेंड सीरीज की बात करूं, दैट इज बाल्मर सीरीज में N1 अगेन मेरा क्या होगा? 2 होगा, लेकिन N2 क्या होगा मेरा? 3, 4, 5 .. इनफाइनाइट, एंड ऑल लाइंस आर कोरेस्पोंड टू विजिबल रीजन, ऑल लाइंस आर कोरेस्पोंड टू विजिबल रीजन। अगेन बेटा यहां पे मिनिमम एनर्जी का कौन सा होगा? ये वाला मिनिमम एनर्जी का होगा, और ये वाला क्या होगा मेरा? मैक्सिमम एनर्जी का। तो अगेन ये मेरा फर्स्ट लाइन हो गया, ये मेरा लास्ट लाइन हो गया, ठीक है? तो उन चीजों पे मैं डिस्कशन नहीं करके मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको डायग्रामेटिकली बताते जाऊंगा, ठीक है? अगर फिर से चलो लिख देता हूं, एक लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम एनर्जी लाइन, या मैं बोलूं मिनिमम वेवलेंथ,
मिनिमम वेवलेंथ का लाइन कौन सा होगा, मैक्सिमम एनर्जी कौन सा है मेरा? चलो वेरी गुड, जल्दी बताओ। एन वन तो मेरा कितना होगा, जल्दी बोलो, टू होगा। लेकिन एन टू क्या होगा मेरा? इनफाइनाइट होगा। अगर मैं बात करूं मिनिमम एनर्जी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम वेवलेंथ, तो ये एन टू अगेन टू होगा, लेकिन मेरा एन सॉरी एन वन मेरा टू होगा, लेकिन एन टू क्या होगा मेरा? वेरी गुड, थ्री होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आए, तो होप सो आप यहाँ तक कर लोगे, ठीक है। थ्री की बात करूं मैं, थ्री है मेरा पैस्टन सीरीज। क्या है मेरा? पैस्टन सीरीज। पैस्टन सीरीज में क्या होगा बेटा, एन वन तो मेरा क्या होगा, थ्री होगा, बट एन टू क्या होगा मेरा? फोर फाइव सिक्स डॉट 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 इनफाइनाइट। और अगेन ऑल लाइंस फॉर ऑल लाइंस ऑफ पैस्टन सीरीज, पैस्टन सीरीज आर कोरेस्पॉन्ड टू, all lines of Poisson series are correspond to कौन सा? Infrared region। Very good, infrared region। आई बात समझ में आते प्यारे बच्चों। चौथा मेरा है bracket। क्या है मेरा? bracket series, ठीक है। bracket series के अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर मैं बोल सकता हूं यहाँ पे n1 तो मेरा क्या होगा? 4, लेकिन n2 क्या होगा मेरा? 5, 6, 7 dot 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 infinite, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं all lines of ब्रैकेट सीरीज, ऑल लाइंस ऑफ ब्रैकेट सीरीज आर कोरेस्पॉन्ड टू इंफ्रारेड रीजन। ये भी अगेन किसमें होता है बेटा? इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है, ठीक है। अगेन मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ आपको पता ही, वो आप खुद से कर लोगे। तो यहां तक मैं स्टॉप कर रहा हूं ताकि हमें अपना टाइम बचाना है, ठीक है। ब्लैमन बाल्मर पाश्चन पीफन, अगेन मेरा क्या हो गया? P1 सीरीज, ठीक है बेटा। P1 सीरीज की बात करो तो अगेन मेरा N1 तो क्या होगा? 5 होगा, लेकिन N2 क्या होगा मेरा? 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। और अगेन ऑल लाइंस ऑफ P1 सीरीज, ऑल लाइन ऑफ P1 सीरीज आर कोरेस्पॉन्ड टू इंफ्रारेड रीजन। अगेन ये भी किसमें पाई जाती है? इंफ्रारेड रीजन में ही पाई जाती है, ठीक है। सिक्स्थ है मेरा हम्फ्री। क्या है मेरा? हम्फ्री। हम्फ्री अगेन मेरा क्या होगा? N1 तो मेरा 6 होगा, लेकिन N2 क्या होगा मेरा? 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। और अगेन ये किस रीजन में पाया जाता? फार इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता। कहां पाया जाता? फार इंफ्रारेड रीजन। तो प्यारे बच्चों ये मेरा था कंप्लीट डिस्कशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और आई होप सो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है थोड़ा, ठीक है। देखिए आपको मैंने ये चीज तो बताया कि मान लो अगर N1 1 है, मतलब अगर आपको 3 से 1 जाना है, तो याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था 3 से 1 जाने के लिए, बड़ा एग्जांपल कर दिया था मैंने, कितने लाइंस पॉसिबल हो सकते हैं 3 से 1। हाँ जल्दी बोलो, कितना फॉर्मूला दिया था ना मैंने, N-1 N(n-1)/2, याद है। तो उससे हमने क्या निकाला था कि 3 लाइंस पॉसिबल हो सकते हैं। वैसे ही ऐसे सपोज करो कि मान लो मेरा है कुछ इस तरीके से ऐसा, n = 1 है और n = n1 और n = n2 है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था भैया अगर n2 से 1 जाएंगे तो पॉसिबिलिटी क्या, लेकिन अगर मैंने बोला कोई n से अगर आपको n1 पे जाना हो, कोई n से अगर आपको क्या जाना हो, n1 पे जाना हो, तो आपके नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ कितना हो सकता है? तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ is equal to क्या होगा? n2 minus n1 plus 1 divided by 2। अब देखो, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे n1 put कर दो, आपको formula वही मिलेगा, क्योंकि n1 cancel, तो again n1 minus 1 divided by 2, तो again ये formula ground state के लिए valid। लेकिन याद रखना ये formula तब valid होगा कि आपका last transition ground state नहीं होना चाहिए, other than ground state। अब 10 से 2 पे ये valid हो सकता है, मैं बोलूंगा 12 से 3 पे जा रहा तो ये valid हो सकता है, मैं बोलूंगा 9 से 4 जा रहा तो ये valid हो सकता है। तो आई बात समझ में आपको यहाँ तक? हाँ। अब एक
बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये आपको मुझे कल तक जवाब देना है, ठीक है? आपको ग्रुप में मुझे मैसेज करके बताना होगा, ठीक है? कि सपोज करो एमिशन और एब्जॉर्प्शन, तो ये तो मैंने आपको कितना दिया था, एमिशन का नंबर ऑफ वेवलेंथ था कि भैया मान लो कि सपोज करो 10 से 1 जा रहा है या 10 से 2 जा रहा है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ हमने बता दी। लेकिन अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन की, मान लो अगर 2 से 1 जाना हो या सॉरी 3 से 10 जाना हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ कितनी होगी और किसकी ज्यादा होती है? एमिशन में, एमिशन जब इलेक्ट्रॉन एमिट करता है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ उसमें, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब जाता है तो उसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ किसमें ज्यादा होती है, यह आपका होमवर्क, आपको मुझे सोच के बताना होगा ये चीज, ठीक है? तो यहां तक हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हुआ, ठीक है? अब बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आज मैं लाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम करेंगे थोड़े इनके ऊपर। सॉरी, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट वेलोसिटी, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट, प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट, प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच एटम, प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच एटम फुल स्टॉप, आल्सो कैलकुलेट number of revolution per second, number of revolution per second that this electron makes, ठीक है? तेरह बजे आपका पहला क्वेश्चन है, फिर से मैं बोलो, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपका ड्यूटी होगा कि आपको इसको अटेम्प्ट करना है खुद से, और उसके बाद पॉज, मतलब जब आपसे नहीं बने फाइनली तब आपको इनके सॉल्यूशन देखना, अदरवाइज आपको सॉल्यूशन नहीं देखना बच्चों, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है? द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेवल आर इवन, फोर ई बाई थ्री, सॉरी नॉट इवन, ई लिखो, फोर ई बाई थ्री एंड टू ई रेस्पेक्टिवली ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ, फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एमिटेड फॉर ट्रांजिशन ऑफ 3 to 1, फॉर ट्रांजिशन ऑफ 3 to 1 what will be wavelength of transition from 2 to 1, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, the wavelength of certain line in Balmer series is observed to 4341 angstrom, to what value of n does this correspond
देखते हैं हम इसी बात पे, ठीक है। E
और अगर ये किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है एस सी बाय लैम्डा के बराबर होगा ये आंसर, ठीक है। तो एस सी बाय लैम्डा अगेन हो गया, तो मेरा ये किसको लिख सकता हूं ई बराबर एस सी बाय लैम्डा। और अगेन अगर मैं 2 से 1 के एनर्जी डिफरेंस लूं तो 4e माइनस 3 बाय ई, 4e बाय 3 माइनस ई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ई बाय 3 इज इक्वल टू अगेन एस सी बाय लैम्डा डैश, दोनों को मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो अगेन 3 बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा डैश बाय लैम्डा, तो अगेन लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा डैश बराबर क्या हो जाएगा 3 लैम्डा, 3 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ रहेगा। यहां तक आपको बात समझ में, और आप ऐसे भी समझो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ छोटा होगा, एनर्जी डिफरेंस कम है तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ एनर्जी होगा। तो आप यहां से भी समझ सकते हैं यहां की जो एनर्जी डिफरेंस है, यहां की जो एनर्जी डिफरेंस है उसके उसके अकॉर्डिंग ही वेवलेंथ का भी रेशियो रहेगा। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जो हम करेंगे इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझो बात को, द वेवलेंथ ऑफ सर्टेन लाइन इन बाल्मर सीरीज इज ऑब्जर्व्ड टू 4341, मतलब बाल्मर सीरीज से कहीं से स्टार्टिंग क्या होगा बट एंड ट्रांजिशन उसका कहां हो रहा है n इक्वल टू बाल्मर बोल दिया, मतलब n1 तो मेरा 2 है, n2 क्या है वो नहीं पता। हां वो बोल रहा है कि जब वो आया हो आया है तो जो वेवलेंथ उसने ऑब्जर्व किया तो वो 4341 आर्मस्ट्रांग है, तो व्हाट वैल्यू ऑफ n डज दिस कॉरेस्पोंड टू इन इट, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, कुछ नहीं आंसर 3 में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, 1 बाय लैम्डा बराबर rh into z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। अब याद होगा आपको बाल्मर सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए मेरा n1 तो हमेशा 2 होता है, n2 कुछ भी हो सकता है 3 4 5 6 एनीथिंग, तो मुझे नहीं पता n2 क्या, यानी सपोज करो उसने n दिया, उसने क्या दिया तो व्हाट वैल्यू ऑफ n, किस वैल्यू n के लिए ये वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड होगी, तो वेवलेंथ उसने दी हुई है तो 1 बाय सपोज करो 4341 × 10⁻¹⁻¹, ठीक है। rh का वैल्यू ये मीटर में आ गया और rh की वैल्यू मीटर इनवर्स में कितनी होती है 10⁻⁷, और उसने हाइड्रोजन एटम दिया हुई है तो इनटू 1 कर दूंगा मैं 1 बाय 2 स्क्वायर बाय 1 बाय n स्क्वायर, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे कैलकुलेशन इसलिए नहीं करना, इट विल टेक टाइम, मेरा मेन काम है आपको मेन कांसेप्ट समझना, आगे आप खुद से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो, कैलकुलेट द एनर्जी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन मोनोफिलियम प्लस एटम अंडरगोस ट्रांजिशन गिविंग द एनर्जी लेवल इन विजिबल रीजन, गिविंग द एनर्जी लेवल लोएस्ट एनर्जी लेवल चाहिए होगा मेरे हिसाब से, कौन सा होगा बेटा जल्दी बोलो, विजिबल रीजन मेरा बाल्मर सीरीज को भी बोलते हैं, एंड और उसमें क्या बोला उसने लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी का मतलब हो गया मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी के लिए ट्रांजिशन हमेशा n1 तो 2 होगा और n2 क्या होगा मेरा जल्दी बोलो, हाँ वेरी गुड 3, तो ये मेरा क्या होगा लोवेस्ट ट्रांजिशन होगा। उसने क्या बोला, कैलकुलेट द एनर्जी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 मोल, एनर्जी बोला उसने मतलब, तो e बराबर क्या हो जाएगा 13.6 हीलियम प्लस है तो 4 × 1/4 − 1/9 n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है तो इसको मैं चेंज करूंगा 1.6 × 10⁻¹⁹, ये जूल में हो गया, और उसको क्या करना है आपको 1 मोल के लिए निकालना है, इसलिए 6 × 6.02 × 10⁻²³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आपका किलो जूल पर मोल में आ जाएगा, सॉरी जूल पर मोल में आ जाएगा, आंसर इसमें आएगा जूल पर मोल में। तो आई होप से यहां तक आपको सारी बातें समझ में आएंगी, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपको, बस आपको फॉर्मूला बेस्ड अप्लाई करना था, आप थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन कवर करने के बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बोर्स ऑर्बिट, इन अ बोर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू कितना दिया, 4.218 × 10⁻³⁴। कैलकुलेट द लैम्डा फॉर ऑब्टेंड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम दिस लेवल टू नेक्स्ट लोअर लेवल, दिस लेवल टू नेक्स्ट लोअर लेवल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, which hydrogen like species has the wavelength difference between the first line of Balmer and first line of Lyman equal to 59.3 nanometer। ठीक है बेटा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन find the n corresponds to excited state of helium plus ion if on transition to the ground ground state it emits two photon in succession full stop with lambda 108.5 nanometer and 30.4 nanometer। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1.8 ग्राम ऑफ H एटम are excited to radiation 27% of atom goes to goes to third energy level and 15% are in second energy level and rest are at ground state calculate total energy
total energy emitted, calculate total energy emitted when all electrons comes back, when all electrons comes back to ground state. ठीक है मेरे बच्चों, तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नाउ, ओके जस्ट वेट अ मिनट. ओके सॉरी टू इंटरप्ट यू. नाउ नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज दिस. Calculate the lambda for obtained when electron falls from this level to next lower level. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये level कौन सा है. उस level होने के लिए आपको n पता होना चाहिए, तभी तो आप next lower level पता कर सकते हो बेटा. तो simple सा फंडा है, इसका एक ही फंडा होता है कि MVR is equal to NH upon 2π. ये होता है मुझे. अब समझे बात को. MVR की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, 4.218 into 10 raised to minus 34 into N, 6.6 10 raised to minus 34 upon 2π. ठीक है, तो approximately N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.218 10 raised to minus 34 into 2π upon 6.625 into 10 raised to minus 34. ये नीचे आ जाएगा बेटा. अब जहां तक आप देखो कैलकुलेट कर रहे हो, मैं आपको यहां से बता देता हूं, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा मेरे हिसाब से 4 आएगा. ये क्या आएगा, 4. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 4 आएगी. ठीक है, आप कैलकुलेट खुद भी करके देख सकते हो. तो ये तो मुझे पता चल गया कि N1 तो मेरा क्या है, 4, या N2 4 है. इसका नेक्स्ट लोअर लेवल क्या हो सकता है बेटा, 3. नेक्स्ट लोअर लेवल 3 होगा. तो उसने वही पूछा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑब्टेंड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम 4 टू 3. तो सिंपल सा करंट क्वेश्चन है, 1 बाय लैम्डा क्या होगा, RH into Z square 1 बाय N1 square minus 1 बाय N2 square. तो इज इक्वल टू RH. कौन सा है बेटा, हाइड्रोजन एटम है क्या, किसका दिया था मैंने ये, ओके लैम्डा एल बराबर कितना हो जाएगा,
जाएगा 4/3RHZ2। यहां तक पहले बच्चे समझ में आया। अब क्या बोला है लैम, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 59.3 नैनोमीटर के बराबर है। ध्यान से समझना बेटा, यहां पे जो आएगा ठीक है, तो पहले तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नैनोमीटर में, तो ठीक है कोई इशू नहीं है सर, यहां पे भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो लैम्डा ऑफ, अब दो बातें भैया, ये बड़ा वैल्यू है कि ये बड़ा वैल्यू है, सोचिए कौन सी बड़ी वैल्यू होगी। हाँ एक मिनट, जस्ट होल्ड सेकंड, कौन सी बड़ी वैल्यू है, ऑब्वियस बात है, आप सोचिए 5/36/5 या समथिंग 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, एंड 4/3 अप्रोक्सीमेटली 1. समथिंग, ऑब्वियस बात है ये वैल्यू मेरे लिए ज्यादा बड़ी है। तो लैम्डा ऑफ बाल्मर माइनस लैम्डा ऑफ एल बराबर कितना, 59.3 नैनोमीटर। तो लैम्डा ऑफ बाल्मर मेरा गेन क्या हुआ, 36/5RHZ2 माइनस 4/3RHZ2 इक्वल टू 59.3 × 10⁻¹⁹। ठीक है बेटा, अब RH की वैल्यू, अब RH की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, 10⁻¹⁷ ले सकता हूँ मीटर इनवर्स में, तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻¹⁷, 10⁻¹⁷ और 10⁻¹⁹ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 10⁻¹⁷ लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻¹⁷, माइनस 7 इधर जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻¹⁷। तो इसको क्या कैसे कर सकता हूँ मैं, बोलिए, वेरी गुड, तो 10⁻¹⁷, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर, तो क्या 0.593 लिख सकता हूँ, नहीं समझ में, फिर से बोला RH को कॉमन लेके आप डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, RH की वैल्यू 10⁻¹⁷ मीटर इनवर्स होती है, तो जिसको 0.593 भी हम लिख सकते हैं, तो 36/5 − 4/3 इनको कॉमन लेके 1/Z2। तो आप यहां से फिर क्या कर सकते हैं, अंडर रूट लेके z की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई होंगी। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है भाई बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूं, आई होप सो आपको यहां तक सबने कैलकुलेट कर लिया होगा। इसके एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं निकाल रहा हूं, इसके एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको फुल कैलकुलेशन का टाइम लगेगा थोड़ा, तो आप प्लीज आप घर पे कैलकुलेट करके मुझे आंसर मैसेज करिएगा, मैं आपको आपको बताऊंगा कि आंसर क्या है इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द एन कोरेस्पोंड टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन इफ ऑन ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट इट एमिट्स टू फोटोन इन सक्सेशन विद लैम्डा 108.5 नैनोमीटर। और देखो प्यारे बच्चों, एक बार ये समझो, एक फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन को कहने से पहले दो बार समझो कि आप डायरेक्ट 1240 लैम्डा अगर नैनोमीटर में है तो आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर आएगा, या एनर्जी को 1240 लैम्डा अगर आर्मस्ट्रांग में है तो ये भी आंसर आएगा, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला प्लीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हीलियम प्लस का कोई है, ठीक है, लाइक ये न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड स्टेट है N1 और ये कोई दो स्टेट है, सपोज करो N2 N3। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ ऑन ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट इट एमिट्स टू फोटोन इन सक्सेशन विद लैम्डा इज इतना। देखो दो फोटोन कैसे गया होगा, या तो एक यहां से यहां गया होगा और एक यहां से यहां गया होगा। ठीक है, दो सक्सेसर फोटोन आपको मिलेंगे। अब आपको डिसाइड ये करना है कि कौन सी एनर्जी कहां पे जाएगी, बस समझ रहे हो कि कौन सा ट्रांजिशन किस वेवलेंथ का होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपको मैंने पहले बताया था E2 − E1 शुड बी लेस देन E3 − E2, ये हमने पहले भी कर चुके हैं, ये एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो उसने क्या बोला, फाइंड द एन कोरेस्पोंड टू स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इफ ऑन ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट इट एमिट्स टू फोटोन इन सक्सेशन। ठीक है, इट एमिट्स टू फोटोन इन सक्सेशन। सपोज करो इसको एनडस मानता हूं मैं, इसको एनडस मानता हूं और इसको एन मानता हूं। ठीक है, तो ये हुआ इस तरीके से, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं ना, या EN-E1
लेस देन ई एन माइनस ई एन डैश, और अगर मैं इनका डिफरेंस भी लेता हूं, सपोज करो ई एन डैश माइनस ई वन प्लस ई एन माइनस ई एन डैश, अगर दोनों का ऐड कर दिया तो ई एन डैश और ई एन कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल आपको ई एन माइनस ई वन ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है अगर मैं ये इनका इन दोनों एनर्जी डिफरेंस को ऐड कर दूं तो आपको ये एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि मुझे सिर्फ एम की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, समझो बात को ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा ये मेरा लोअर एनर्जी लेवल होगा, ये मेरा हाई एनर्जी गैप होगा। तो मैं बोल सकता हूँ हाई एनर्जी गैप मतलब लो, तो लो वेवलेंथ, तो एनर्जी का मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ 1240/30.4 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब ये फॉर्मूला यूज करूंगा, और यहाँ का एनर्जी गैप का जो फॉर्मूला होगा 1240/108.5 नैनोमीटर। अब सपोज कर ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा मतलब 1240/30.4 प्लस 1240/108.5, ये एनर्जी डिफरेंस ही तो है, ये टोटल एनर्जी डिफरेंस है, और ये किसके बराबर होगा द्रव्यमान, किसके बराबर होगा एनर्जी है एक एटम की, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, लेकिन इसका 27%
0.27 आ गया। आएगा समझ में? वैसे ही E2 आप निकालो 13.6 into 1 by 1 minus 1 by 4, तो 13.6 into 3 by 4, ये हुआ मेरा एनर्जी। ये एक एटम के लिए, आपके पास ऐसे कितने एटम है? 1.28 Na एटम है, और इसका भी सिर्फ कितना परसेंट है? 15%, इस एटम का 15% है आपका सेकंड पे। तो वो बोल रहा है कि टोटल एनर्जी हमें कितनी होगी, तो कुछ नहीं, टोटल एनर्जी क्या कर दो, E2 plus E3 आप कर दो और you will get your answer। तो आई होप सो बेटा, मैंने बोर्स मॉडल पे जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं या अभी तक हमने जो पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप थोड़े याद रखिएगा, ठीक है? कल हम जो सीखेंगे वो आयनाइजेशन एनर्जी सीखेंगे, उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते, कैसे एडवांस में क्वेश्चन आए जाते हैं, नीट में कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। सो प्लीज रिवाइज, अगर आपको एक बार में एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए उनको, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आई होप सो यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।